महीने के अंदर परीक्षा कराने तैयार है। तो मंत्री जी क्या कहते हैं खुद आकर यहाँ पे मतलब बताने को तैयार थे, आज 6 बजे आने वाले थे, आज 6 बजे आने वाले थे। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी क्या मांग है, तो हमने बताया कि ये मांग है, हमको क्या कहते हैं थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा करवाइए, साथ में करवाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन 1 महीने बाद आपका पेपर करवाएंगे। हम कहें हमको 1 महीने पास नहीं, हम लोग का साथ में सेमेस्टर चल रहा था कोरोना महामारी के पहले, तो साथ में पेपर होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ठीक है हम मंत्री जी से बात करके जैसा भी होता है आप लोग को आश्वस्त करते हैं, यही बात। कितनी देर तक आश्वस्त करेंगे यहाँ पर जो है, या आपने देखा 5 सदस्यीय टीम थी जिसमें से 6 लोग थे, आयुष जी थे, बहन थी, ये भी थे, अनुज थे और सीनियर भी थे, जितने भी साथी थे वहाँ पहुँचे हैं। और जैसे भाई ने बताया सेम टू सेम ऐसे ही घटना घटित हुई। जाने के बाद बैठा गया, बघेल सर थे और डायरेक्टर सर थे और बाद में किरण आनंद सर भी आए। उन्होंने कहा सबसे पहले ये कहा कि बधाई आपको, जो पहले आपने मांग उठाई जो जो है आज आया हुआ है। और हमने कहा मांग क्या थी, तो मांग ये बता रहे थे कि जो है 1 महीने बाद आपको हम पेपर करवा देंगे। हमको ये मांग ही हमने नहीं रखा था, आपको हमने लिखित रूप में दिया था और ज्ञापन का एक प्रति हमारे पास है, वो ज्ञापन की हमने प्रति पहुँचवाई वहाँ पर। और ज्ञापन की प्रति पहुँचाने के बाद देखे, हमने कहा सर ये चीज तो परीक्षा नियामक सचिव जी ने भी दे दिया था, उसमें आपने कौन सी स्पेशली मांग उठाई। ये चीज हमारी बहन ने भी कहा, हमने भी कहा, हमारे जो उपस्थित जो सदस्य गए थे यहाँ से आपका नेतृत्व ने उन्होंने बताया। फिर हमारा दूसरा सवाल था सर हमें बैक पेपर करवा कर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो निर्धारित टाइम के इतने लोग देख रहे हैं सभी तक बात जारी हुआ है, उसमें शिक्षा मंत्री महोदय जी आपके घटना धरना स्थल पे पहुंचेंगे, आपको आश्वासन देंगे मौखिक रूप से और मैं भी पहुंचूंगा। लेकिन हमने कहा सर शिक्षा मंत्री जी जब जियो जारी करें लिखित रूप में तब स्वागत है, लेकिन हमें तो जियो जारी प्रमोट का चाहिए, हमें परीक्षा देनी होती थर्ड सेमेस्टर की, चतुर्थ सेमेस्टर क्या जो है 1 महीने बाद इनके सब नवम्बर के बाद, तो हम धरना क्यों देते हैं। तो हमारा उद्देश्य था, आज उन्होंने लगाया हुआ है, कल तक शासन का आदेश शाम तक बता रहे हैं। और हम चाहते हैं जो यूनिटी ये बनी हुई है, जो लोग ये यूनिटी का प्रभाव है, जो शिक्षा मंत्री का ये जो प्रभाव पड़ा है, शिक्षा मंत्री जी व्यक्तिगत अब जो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी घटना स्थल पे आना है, वहीं पे प्रशासन के द्वारा कहा गया था शिक्षा मंत्री जी को गार्डन में नहीं आएंगे, न कभी आते हैं न आएंगे, लेकिन जब वो यहाँ तक तैयार हो गए तो इसका मतलब समझ लो कि डीएलएड की यूनिटी और डीएलएड की ताकत कुछ पावर है, तभी आने का तैयार होगा। लेकिन हम लोग को बुला के वहीं पर 69,000 के लोग भी बैठते हैं, अंदर प्रवेश तक नहीं मिल रहा है, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने भी अपने संघर्षों को देख कर सीख रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये यूनिटी साहब कह दिया है, आप जब धरना बैठक कल शाम तक आदेश अगर जारी हो जाएगा, अभी मैं शासन से बात करता हूँ, शिक्षा मंत्री आज और उसके बाद क्या कहते हैं इसका निर्णय शाम तक निकल जाएगा, तो हमें यही खुशी है कि अगर शाम तक कल कहते हैं परसों देते हैं मुझे, मैं परसों भी रुक सकता हूँ, लेकिन उन्होंने आश्वस्त कर दिया कल शाम तक जारी हो जाएगा, उसके बाद आप धरना समाप्त कर दीजिएगा। हमारे लिए यही एक मांग थी और मुझे यही चाहिए था, उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग वहाँ पे गए थे, जो भी हमारी सदस्यीय टीम थी आप लोग के सामने गए, हम लोग आए भी इसीलिए, हम लोग एक दो ऐसे लोगों को ले गए थे जो आप लोग के द्वारा चुने गए थे, ये हो गए आयुष भाई, इनसे आप लोग पर्सनली पूछ लीजिए चाहे यहाँ आके बोल दीजिए, ठीक है। वहाँ पे यही था कि आज शाम को 6 बजे शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले थे, ये था। उन्होंने साफ तौर पर जो वहाँ के डीजी साहब थे उन्होंने कहा कि हम शाम को शिक्षा मंत्री जी को खुद वहाँ लेकर आ रहे हैं, वो आप लोग को आश्वस्त कर देंगे, उसके बाद आप लोग धरना समाप्त करिए और यहाँ से जाइए। हमने कहा सर हमें आश्वस्त होना ही नहीं है, हमारे परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर ये बताइए कैसे कब तक चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें एक और मौका दीजिए, फिर से हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, जियो में जो संशोधन हो पाएगा उसको करेंगे, उसके बाद कल जो है
आप लोग कल का उन्होंने हमसे टाइम लिया हुआ है, कल देखिए क्या होता है। हो सकता है कि आज शाम को शिक्षा मंत्री यहाँ पे आए, क्योंकि जैसा महानिदेशक सर ने बोला कि आज शाम को शिक्षा मंत्री जी खुद वहां जाएंगे। हो सकता है वो मीटिंग के बाद आए, कल आए, लेकिन आज का उनका शेड्यूल में था कि आज उनको इको गार्डन जाना था हम लोग से मिलने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एकता का ही ये परिचय है जो शिक्षा मंत्री जी को आवास से निकल के यहाँ आने पे मजबूर होना पड़ा। तीन दिन पहले हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए वहाँ पे लाठियां खा रहे थे, लेकिन हमारी एकता का ही वो परिचय है कि शिक्षा मंत्री जी खुद चल के यहाँ पे आ रहे हैं हमसे और आपसे मिलने के लिए। तो सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऐसे ही डटे रहेंगे तो पूरी और पूरी संभावनाएं हैं कि कल तक हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा। जो कल हमारी उनसे बातचीत हुई थी और जो आज बात हुई, कल और आज में जमीन आसमान का फर्क था। कल हम लोग को हल्के में लिया गया था, लेकिन आज जो है एक एक लोग को 10-10 मिनट का टाइम दिया गया कि आप लोग बात रखिए, और उन्होंने बात को समझा भी। और एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे जो भी घटनाएं घटित हुई, जिसकी तबीयत खराब हुई या फिर एम्बुलेंस वगैरह आया, हर एक चीज की बात उनको पता है। उन्होंने खुद बोला कि जो है वहाँ पे मैं सारे वहाँ के हालात को मैं देख रहा हूँ, तभी प्रशासन मजबूर है, वरना शिक्षा मंत्री के इतना शौक नहीं लगा है कि वहाँ से चल के और इको गार्डन आए। हमारी एकता का ये परिचय है कि वहाँ से चल कर यहाँ आने को तैयार हो गए, और वो हमको आश्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें आश्वस्त नहीं होना है। आप आज नहीं आइए, आप कल आइए, लेकिन जियो के साथ आइए। वो बोले ठीक है, 15 जो है उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमें एक और मीटिंग का मौका दीजिए, और उनकी बातें बता रही थी उनके साथ जो आला अधिकारी थे। जब वो सर 2 मिनट के लिए बाहर गए, उनकी बराबर मंत्री जी से बात हो रही थी, जैसे कॉल आए वो तुरंत बाहर निकल जा रहे थे बात करने के लिए। वहाँ पे जो भी चीजें घटित हो रही थी, जो आला अधिकारी थे वो पूरा हमारे सपोर्ट में है। पूछ लीजिए, आयुष भाई है, बहन भी है हमारी, आप किसी से पूछ सकते हैं कि पूरा वो हमारे सपोर्ट में है। अगर एक रात के और संघर्ष हमने किया और संख्या बल बढ़ा लिए, और ये मानकर चलिए कल जीत हमारी है, ये तय है। हमारी बहन भी जाओ उपस्थित थी, आज जो भाई लोग ने बोला वो बात एकदम 100% सही है। और आज ने हम लोग ऐसा बात रखी ना कि वो हमारे बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो अपना आश्वासन रखे कि आज शिक्षा मंत्री आएंगे, हमने बोला हमको वो नहीं चाहिए, हमको जियो चाहिए, जियो लागू करे, वो आए, उनका स्वागत सम्मान करेंगे, हम लोग भी अपने घर जाएंगे। और हम लोग ने लास्ट बात अपनी यही रखी है कि प्रमोट और प्रमोट, यही बात हम लोगों ने रखी आई है। वो बोले हैं कि कल आप इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, कल आपको इसके विषय में बता दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से कल हम लोग गए थे और आज गए हैं, जमीन आसमान का फर्क है। कल तो सुनने के लिए 15 मिनट भी नहीं दिए, और आज हमारी बात सुन के वो 15 मिनट हम लोग को सोचने पे वो निर्भर हो गए, वो चेयर पे बैठ के सोचने पे निर्भर हो गए। सोचे 15 मिनट, सोच लीजिए इतना फर्क पड़ा है। चाय का प्याला देखकर कंट्रोल करवा रहे थे, चाय का प्याला हम लोग को ला के दिए कि आप लोग पीजिए चाय पे, चाय का प्याला दे रहे थे। हाँ, आज हम लोग को चाय के लिए पूछे हैं, सोच लीजिए। लेकिन चाय नहीं पिया गया क्योंकि यहाँ पे मेरे उपस्थित जितनी बहने और भाई है, 3 दिन से भूखे हैं। कितनी बहने हमारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं, बेहोश हो जा रही है। हर एक चीज हम लोग वहाँ रखे हैं मुद्दा को, वो भी इस चीज पे गौर किए हैं, और यही कह के गया है कि आपकी बात वो रखेंगे वहाँ पे। अगर आप लोग का कल इससे भी भारी संख्या रहेगी और हम लोग एकता दिखाएंगे तो 99% आज उम्मीद बन चुकी है। 1% अगर आप लोग गलती करेंगे तो घट भी सकता है, और उसको सही से ले जाएंगे तो बढ़ भी सकता है। अब डिपेंड आप लोग पे होता है कि आप लोग चाहते क्या है। कल तक वो अपनी मांग पूरी करवा रहे थे, आज हमारी मांग सुन के पूरी करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप लोग चाहते क्या है, आपकी मांग क्या है, आपकी मांग क्या है, और मैं प्रस्ताव भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, और आज बैठ कर कल शाम करने। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये यूनिटी बनी है, ये आप आज से केवल 12 घंटा और बना के रखिए, और 24 घंटा में प्रभाव मिल जाएगा, और आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जो नहीं होने वाली चीज थी आज आजकल होने जा रही है। जैसे घर जाएंगे,
बाकी मैडम।